नमस्कार, टिप्स एंड ट्रिक्स बाय अर्चना चैनल पे आप सबका बहुत 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 स्वागत और सबका शुक्रिया। मेरे थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। ऑफकोर्स यस, यू आर राइट, आँखों के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि अभी स्कूलिंग एट होम है तो या तो कंप्यूटर या तो लैपटॉप या तो टीवी पे चलता है। तो उसके बाद वो दो तीन घंटा जितना भी स्कूल है बच्चों का, उसके बाद उनके जो किड्स प्रोग्राम है वो तो उन्हें देखने ही है, और फिर बुक्स में होमवर्क ये वो। तो आजकल के बच्चों को बहुत आँखों में मतलब प्रेशर होता है, बहुत स्ट्रेस होता है हमेशा कंप्यूटर या टीवी पे देखने से। और जो बड़े हैं जो सॉफ्टवेयर में है, आईटी में है, वो तो पूरा दिन उनका कंप्यूटर के लैपटॉप के सामने जाता है। और बच्चे कुछ जो हम लोग हैं हाउसवाइफ या जो भी बाकी एंड अदर्स, दे आर ऑल हैंडलिंग मोबाइल फोन ऑलमोस्ट फुल डे। तो ये सब की वजह से जो मोबाइल ऑन रहना, टीवी ऑन रहना, लैपटॉप ऑन रहना, तो आँखों में कितना स्ट्रेस और कितना मतलब उसको तकलीफ होती होगी वो हम जानते हैं, लेकिन इट इज़ अ लाइफ। मतलब हर कोई ये कर रहा है और ये आजकल की ज़रूरत है। स्कूल में जाना ही पड़ता है, मतलब एट होम स्कूल, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आँखें ड्राई हो रही है ना, आँखें ड्राई हो रही है, आँखों में कभी कभी पानी आता है, आँखें लाल होती है। तो ये सब से एक मैं लास्ट में तो एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन थोड़ा मतलब छोटे छोटे नुस्खे जो हमें मालूम है लेकिन भूल जाते हैं। मतलब मैं मेरी बात कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, मतलब सोचा है कि पानी पीना, क्योंकि ये ड्राई आँखें होना, ड्राई स्किन होना, ड्राई हेयर होना, इसका मेन कॉज या रीज़न क्या होता है, हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं। तो हम लोग सोचते हैं पानी पीना चाहिए, आज कोई 8 गिलास बोलता है, कोई 9, कोई 10, हर एक का, लेकिन पानी बहुत पीना चाहिए, इज अ पीरियड, दैट इज़ अ रूल। लेकिन जब हम ऐसे किसी वीडियो देखते हैं तो हमें याद आता है, अरे 2 दिन से हमने पानी कम पिया है, फटाफट जाके पानी पीना फिर से चालू कर लेते, तो पानी इज़ अ मेन हो गया है। और आँखें ड्राई होती है तो हमें मालूम रहता है कि हम हाथ इधर उधर लगाते हैं तो वो बहुत दूषित होते हैं, हाथ में बहुत कभी मैल होता है, कुछ होता है, फिर भी हमें इतना रिफ्लेक्स एक्शन होती है कि आँख जब ड्राई होती है या खुजली आती है हम ऐसे करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो हम अवॉइड करें, उतना अवॉइड करना चाहिए, या तो हाथ धो के आके करना, लेकिन ऐसे नहीं होता है मुझे भी मालूम है, तो ट्राई करें कि हैंडकरचीफ रख के अगर हो सके तो क्योंकि जब हम ज़ोर से ये मसलते हैं आँखें ना, तो आँखों में जो छोटी छोटी नसें होती है उसको हार्म पहुँचने की संभावना होती है, क्योंकि फटाक से हाथ नजला के ज़ोर से करते हैं, है कि नहीं, तो वो भी हम ये कर सकते हैं। और आँखें धोना ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम मुंह धोने जाते हैं तो आँख धो सकते हैं। अब दूसरी बात है कि अगर बहुत आँखें कभी कभी थक जाती है, दर्द होता है आँखों में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉटन लेके गुलाब जल, रोज़ वाटर की पट्टियाँ डालेंगे तो भी बहुत आराम पड़ता है सबको मालूम है। और ककड़ी कीड़ा बोलते हैं, कुकुम्बर बोलते हैं हम लोग, तो उसके जो स्लाइस काट के अगर हम आँखों में रखें तो आँखों में जो गर्मी होती है, उष्णता होती है, वो जो होती है वो हम वो ककड़ी की वजह से, कीड़ा की वजह से, कुकुम्बर की वजह से वो एब्सॉर्ब होती है और आँखों में ठंडक आ जाती है। ये तो सब हो गया। फिर छोटे छोटे एक्सरसाइज होते हैं जो आँखों के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ताकि सीधा आप हाथ ऐसे मछली आँखें में रखिए बहुत, और आँखें बंद कीजिए तो आप बहुत सुकून मिलता है, वो करने से आँखें में मतलब ठंडा महसूस हो जाती है। फिर हम लोग थोड़े छोटे आँखों के एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आँख ना जोर से आप बंद कीजिए, 15 से 3 सेकंड तक जोर से आप बंद कीजिए, खोलिए, इसकी वजह से जो आँखों में नसें होती हैं उसको एक्सरसाइज मिलती है, उससे हमारी आँखें का विजन और ये या आँख सुधरने में मदद होती है। ये 5 बार दिन में कीजिएगा ऐसे,
अभी हम लोग आंखें बहुत कम घुमाते, हम नहीं घुमाते कहीं देखना हो तो हमारी आंखों की एक्सरसाइज कम होती है कि नहीं। तो अगर हम ऐसे ट्राई करें जैसे कि दूर देखें और ऐसे, आंखें हिलनी चाहिए, नहीं, फिर राउंड एक बार ये, एक बार दूसरी तरफ से, एक बार ये लाइट से राइट से लेफ्ट घुमाइए, सिर्फ ये जो पीपल्स होते हैं वो ये आंखों में, आंखें नहीं, फिर ये नेक वही स्ट्रेट रहना चाहिए, इसे जो नस है वो मजबूत होने में मदद मिलती है। तो ये सब छोटे छोटे अगर हम आँखों में आँखों के एक्सरसाइज करें, पानी में आँख जितना हो सके उतना धोए, आँखों में हाथ कम लगाए, वैसे भी कोरोना में वो एक है कि आँखों में हाथ मत डालें, मतलब आँखों के नज़दीक हाथ मत लगे, वैसे तो कोरोना के बच्चे तो हमें आदत पड़ गई होगी वो। दूसरी बात है, अगर बहुत जलन होती हो, बहुत लाल दिखता है, तो आप मैंने बोला है कुकुम्बर का स्लाइस, तो आप डालिए, बहुत ठंडक मिलती है, या तो गुलाब जल कॉटन में लेके अगर आँख पे रखते, तो आप ब्यूटी पार्लर जाते तो रखते वैसे रखना है तो वो। और अभी लास्ट में मैं बहुत ही बेहतरीन घर का ही नुस्खा है वो, आप जरूर जरूर जरूर, वो छोटे बच्चे जो स्कूल में, वहाँ से एज इज नॉट ए लिमिट, तो क्योंकि हमको बराबर मालूम है कि गाजर में गाजर है उसका जूस आँखों के लिए बहुत अच्छा है, और आंवला है वो आँखों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पूरे घर के लिए करना है तो गाजर जूस करे या आंवले का कुछ करे, इससे जो ये आपकी मैं पाउडर में या बताने वाली हूँ वो बहुत ही लाभदायक है आँखों के लिए, और कोई भी दूध में आधा कप दूध में वो आधा चम्मच मस डाल के पी सकता है कोई भी, आपको मैं बताऊं उसमें इंग्रेडिएंट्स, आप खुद बोल गए ये तो बहुत ही चीज बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। चलो आपको मालूम है उसमें चार इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक होता है बड़ी सौंफ, सौंफ बोलते हैं वो शादी वाली, हाई फाई नहीं, शादी सौंफ लीजिए, फिर इलायची, कार्डिमम बोलते हैं आप वो लेना है, आपको बादाम लेने हैं, और मिश्री या खड़ी शक्कर वो होती है, वो भी शादी वाली, वो स्क्वायर स्क्वायर वाली एकदम आर्टिफिशियल नहीं, वो शादी जो आयुर्वेद दुकान में या कहीं भी मिलती है वो। तो आपको अगर चार चम्मच, आपको मालूम बड़ी सौंफ ये डाइजेशन के लिए सौंफ होती है वो अच्छी होती है और आँखों के लिए भी अच्छी है, ये तो आपको मालूम है। कार्डियम का सेम है इंग्रेडिएंट, बादाम तो याददाश्त के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए अच्छा है, ये आपको मालूम है। और खड़ी साकर जो बोलते हैं, मिश्री बोलते हैं शायद हिंदी में, मुझे एग्जैक्ट वर्ड मालूम नहीं, लेकिन खड़ी साकर आपको पता चल गया होगा, वो बड़ी बड़ी मिलती है वो स्क्वायर वाली आर्टिफिशियल नहीं, आप सीखे सब समझो, चार चम्मच आपने सौंफ ली तो आप छः पूरे वही छिलके के साथ इलायची लेनी है, वो निकाल के नहीं, वो छिलके भी अंदर जाने चाहिए, बादाम भी साबुत लेने छिलके निकाल के नहीं, और खड़ी शक्कर का एक बड़ा पीस दो पीस लेके आप अच्छी तरह से महीन उसको पीसिए ग्राइंडर में, आपको एकदम पतला करना है तो अच्छी तरह से छाननी से छाल के फिर से एक बार ये कर दीजिए, ये पाउडर बना के आप रखिए, सुबह दोपहर सुबह के टाइम अगर आप आधा चम्मच दूध में डाल के पिए, और घर में कोई भी पी सकता है, मतलब आप वो बोतल में रख के वो पाउडर सब घर के लिए यूज कर सकते हैं ना। गाजर अगर जूस करना है तो रोज़ नया करें रोज़, और सबके घर के लिए अगर पॉसिबल है आप करते हो तो बहुत अच्छा है, आपको मालूम है आंवला अच्छा है, गाजर अच्छा है इससे, लेकिन ये जो पाउडर ये बनाइए गर्म दूध के आधा चम्मच डाला पीनी, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, आपको भी मालूम है इसमें ना सौंफ में सर के कोई साइड इफेक्ट, ना इलायची में है ये, ना बादाम के है, ना मिश्री के है या खड़ी साकर के, फिर भी अगर किसी को लगता है मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्थ नाजुक है तो आप एक दो बार पी के देख लीजिए, इसमें नुकसान 100% नहीं है, फायदा ही होने वाला है। और आप अगर चाहते हो कि हमारे में मराठी में बोलते पी हड़त हो गोरी, नहीं होगा, आज हम पिए और आज के आज आपकी आंखें सुधर नहीं जाएगी, आप जो डॉक्टर के पास भी जाते हो तो कितनी दवाइयाँ कितने एक्सरे क्या क्या करना पड़ता है ना, उसके बाद भी आपको गारंटी है वो आप अच्छे हो जाएंगे या विजन आपकी सुधर जाएगी, नहीं ना,
तो ये करके देखिए, इसमें कुछ नहीं होगा तो डाइजेशन ज़रूर सुधरेगा। बादाम से आपके आँखें, आपके बाल, आपकी स्किन ज़रूर सुधरेगी, ये तो आपको भी मालूम है। तो ट्राई इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर ऑल एजेस। हम लेडीज़ भी तो पूरा दिन मोबाइल लेके बैठे, बिजनेस वालों को मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो हर एक की ये ज़रूरत है, ये नीड है। तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए ये सब। ये पाउडर बना के घर में रखिए, गर्म दूध में आधा चम्मच डाल के सब घर में, आप 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के आपके जो बुजुर्ग घर में है सबको दे दीजिए, सबका विजन सुधर जाएगा। तो डेफिनेटली स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी अगेन। थैंक यू।